हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक और नया चैप्टर जो कि क्लास 11 से स्नैपशॉट की बुक से है। और चैप्टर का जो नाम है वो है रंगास मैरिज, एंड दिस चैप्टर इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं। और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इस चैप्टर के बारे में बताया है। तो वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस किया जाएगा, जो कि हमारी स्ट्रेटजी का पैटर्न होता है। और उसके बाद वन बाय वन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा जो कि सभी क्वेश्चनों में फिट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो आप इसे यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसका उसका आंसर देंगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है, व्हाट असेसमेंट डू यू मेक द नरेटर, मतलब आप क्या इस नरेटर के बारे में सोचते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड द नरेटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अरेंजिंग रंगास मैरिज, मतलब नरेटर ने, जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, उन्होंने किस तरह से, उनका क्या महत्वपूर्ण रोल था रंगा की मैरिज को अरेंज करने में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द स्टोरी रंगास मैरिज, मतलब रंगास मैरिज पे संक्षिप्त टिप्पणी की स्टोरी कीजिए। या फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी रंगास मैरिज। तो बच्चों, इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं चैप्टर में से, और सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा जो कि समरी वाइज होगा, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन में उसे यूज़ करेंगे तो वो 100% अप्रोप्रिएट होगा। बेसिकली सबसे पहले इस स्टोरी के अंदर एंटर करने के लिए हमें इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो जो सबसे पहला जो इसमें जो बेसिकली इसके अंदर 5 करेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे। सबसे पहला करेक्टर है जो है नरेटर, जो कि खुद इस स्टोरी को बोल रहा है इस टाइम पे, उनका नाम है श्यामा। और जो सेकंड करेक्टर है वो है रामा राव, जो कि उसका एक फ्रेंड है, रामा राव जो कि उसी नरेटर का एक फ्रेंड है। और जो थर्ड करेक्टर जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर ऊपर सारी चीज़ें घूमती है, वो है रंगा, जिसकी यहाँ पर शादी की बात चलेगी। और जो उससे भी जो सबसे मोस्ट और जो सेकंड वन जो मोस्ट करेक्टर है वो है रत्ना, रत्ना वो लड़की होती है जिससे रंगा की शादी फिक्स होती है। और जो पांचवा जो सबसे मोस्ट जो पांचवा करेक्टर था वो था शास्त्री जी जो इस स्टोरी के सबसे मेन करेक्टर थे। द ऑथर डिस्क्राइब्स हसोली एज ए वेरी यूनिक विलेज, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी बुक और इन एनी मैप एटलस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मैसूर स्टेट, देयर आर सम मैंगो ट्रीज, द विलेज पॉन्ड हैज़ ए क्रीपर विद ब्रॉड लीव्स। मतलब लेखक इस चैप्टर में, जो कि हसोली गांव का एक बहुत ही अच्छी जगह है और इतनी यूनिक है कि उसका कहीं पर भी बुक में, किसी भी किताब में, किसी भी वर्ल्ड के एटलस में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसका अलग में ही एक महत्व है और ये मैसूर स्टेट में पड़ता है गाँव। यहाँ इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर आम के पेड़ बहुत सारे हैं और यहाँ गाँव में एक तालाब है और वहाँ पर गांव में एक तालाब और तालाब के किनारे कई सारी बेलें हैं जिनके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। ऑल द फैक्ट्स इन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ रंगा व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर हैविंग स्टडीड इन बैंगलोर। मीन्स ये जो पूरी पूरी स्टोरी है, इसका जो टाइटल है वो काफ़ी हद तक सही रखा गया है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी एक इंसान के चारों ओर घूमती है जिसका नाम है रंगा, और जब वह बेंगलोर से पूरी अपनी जो स्टडी ख़त्म करके आते हैं। सच केसेस वर नॉट मैनी दोज डेज, मतलब उन दिनों में ऐसा कोई भी केस नहीं था पूरी गांव में। व्हेन द विलेजर्स गॉट द न्यूज़ दैट रंगा वाज कमिंग बैक दे फ्लॉक टू सी हिम, जैसे ही गांव वालों में ये खबर फैली कि रंगा पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं, तो ये खबर पूरी आग की तरह फैली। एन ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट एंड She felt sacred thread Geneva still there। मतलब उसी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आई और उसने अपना हाथ रंगा की चेस्ट के ऊपर फेरा और उसे एक अजीब सा धागा फील हुआ जिसे जनेवरा कहते हैं, और वो वहीं पर ही था। She declared that the boy had not lost his caste।
और उसने ये घोषणा की कि जो लड़के ने अभी अपना धर्म नहीं बदला है, क्योंकि वहाँ पर यह मान्यता था कि मान्यता थी कि जो भी इंसान गांव से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है या इंग्लिश सीखता है वो अपना धर्म बदल लेता है, बदल जाता है, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं है। दिस इवेंट नोन एज द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, और इस इवेंट को कलकत्ता का ब्लैक होल भी कहा जाता है। द क्राउड वॉज सेटिस्फाइड एंड दे डिस्पर्स्ड, मतलब क्राउड जो भीड़ थी वो संतुष्ट हो गई, शांत हो गई और वो वहाँ से गायब हो गई। श्यामा द नरेटर टू गोस इनसाइड द कोर्टयार्ड टू सी रंगा, द यंग बॉय रिकॉग्नाइजेस हिम एंड ग्रीट हिम रिस्पेक्टफुली। अब श्यामा भी उसे देखने के लिए अंदर जाता है घर में, और जो यंग बॉय जो लड़का होता है वो उसे पहचान लेता है और उसे अभिवादन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। द नरेटर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विद हिज मैनर्स एंड इमिडिएटली डिसाइडेड टू फाइंड ए सूटेबल मैच फॉर हिज मैरिज, मतलब नरेटर उसका अभिवादन देखकर बड़ा ही इम्प्रेस होता है और वो तुरंत डिसाइड करता है उसकी शादी के लिए, वो तुरंत उसकी शादी के लिए मैच के ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। द नरेटर ब्लास्ट हिम सेइंग मे यू गेट मैरिड सून, और जो नरेटर है श्यामा वो उसे आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी जल्दी शादी करे। दैट आफ्टरनून रंगा केम टू हिज हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस, ही एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू गेट मैरिड इन हास्ट। उसी दोपहर को रंगा कुछ संतरों के साथ नरेटर के पास आए, उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे रंगा ने जल्दबाजी बोला और उसके लिए मना कर दिया। ही वुड वेट एंड वुड लाइक टू मैरी ए मैच्योर गर्ल हु वुड अंडरस्टैंड हिम, मतलब उसने कहा कि वो इंतज़ार करेगा और उस एक मैच्योर लड़की से शादी करेगा जो कि उसे समझे। ही वुड लाइक मैरी ए गर्ल ही एडमायर्ड, मतलब वो उस लड़की से शादी करेगा जिसकी वो इज्जत भी करे या जो उसकी इज्जत करे। श्यामा मीट्स डिसअपॉइंटमेंट येट ही गेट्स डिटरमाइंड टू गेट हिम मैरिड टू रत्ना। अब श्यामा बहुत ज़्यादा निराश हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि उसकी शादी अब रत्ना के साथ जरूर कराएगा वो। अब रत्ना कौन है? एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल द नीस ऑफ हिज फ्रेंड रामा राव। रामा एक 11 साल की छोटी लड़की होती है जो कि उस नरेटर का श्यामा के दोस्त जो कि रामा राव है उसकी भतीजी है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, और वो एक बड़े शहर में वो भी रहती थी। एंड न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम, और वो अच्छी तरह वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड बोट हर होम, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे और उसके अंकल उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। ही केम अप विद ए प्लान, ही क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी वेयर रंगा माइट लिसन टू रत्ना सॉन्ग एंड हैव ए ग्लिम्स ऑफ हर। अब उसके दिमाग में प्लान आया, इस बार वो एक प्लान के साथ आया। उसने एक ऐसा चांस ऐसी स्थिति पैदा करी कि रत्ना उस रंगा रत्ना के गाने को सुने और उसे देख भी ले एक बार। ही आस्क्ड रामा राव्स वाइफ टू सेंड रत्ना टू हिज प्लेस टू फैच सम बटर मिल्क, मतलब उसने रामा राव की वाइफ को बोला कि रत्ना को शाम को दूध लेकर मेरे पास भेजना बटर मिल्क लेकर। सो शी केम ऑन फ्राइडे वीरिंग ए ग्रेस सारी, उसकी बात को मानते हो वो फ्राइडे की शाम को एक ग्रेस मतलब सभ्य साड़ी के अंदर उसे दूध का गिलास देकर देने के लिए आई, उसके लिए बटर मिल्क लेकर आई। ही रिक्वेस्टेड रत्ना टू सिंग एंड सेंड फॉर रंगा, उसने रत्ना से रिक्वेस्ट की कि वो एक गाना गाए और उसी दौरान में उसने रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया। वाइल शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द नरेटर्स रिक्वेस्ट रंगा रीच्ड द डोर, मतलब जिस टाइम पे रत्ना नरेटर की रिक्वेस्ट पर गाना गा रही थी उसी टाइम पर रंगा भी वहां पर पहुंच गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसरप्ट द सिंगिंग बट वॉज क्यूरियस टू सी हर फेस, ही पीप्ड इन सीइंग ए स्ट्रेंजर शी एब्रप्टली स्टॉप्ड। अब भाई जैसे ही उसने गाना सुना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उससे, और लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि गाना कौन गा रहा है। उसने झांक कर देखने की कोशिश की चेहरे को और चेहरे को देखा, जैसे ही रत्ना को पता लगा कि ये कोई आ चुका है वो अचानक से ही रुक गई। लेटर रंगा इंक्वायर्ड अबाउट द गर्ल एंड होप्ड टू थिंक दैट सी वॉज स्टिल अनमैरिड बट द नरेटर क्लेवरली प्लेड एट हिज वर्ड, और उसके जाने के बाद रंगा ने उस लड़की के बारे में इंक्वायरी की, उसने सोचा कि शायद वो अभी भी अनमैरिड है, लेकिन जो नरेटर थे श्यामा उन्होंने चालाकी से शब्दों को बोला, उन्होंने बोला ही टोल्ड रंगा दैट द गर्ल वॉज मैरिड ऑफ ए ईयर एंड नोटिस दैट रंगा फेस हैड शिवल्ड
शिवल्ड अप लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नरेटर ने रंगा को बताया कि उस लड़की की शादी एक साल पहले हो चुकी है और उसने यह भी नोटिस किया बोलते समय कि रंगा का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था, भुने हुए बैगन की तरह उसका मुंह बिल्कुल ही उदासी से छा गया था। रंगा वास अट्रैक्टेड टू द गर्ल बट वास येट टू एडमिट दिस, मतलब जो रंगा था वो उस लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो गया था लेकिन इस बात को स्वीकारा नहीं था। श्यामा यही करने के लिए प्लान बना रहा था। तो ये देखकर नरेटर काफ़ी खुश हुआ और वो ये सोचने लगा कि उसका प्लान एक्चुअली में सही काम कर रहा है। श्यामा वास हैप्पी एस इस प्लान वास वर्किंग। श्यामा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका प्लान सही दिशा में वर्क कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू देयर शास्त्री एंड आस्क्ड हिम टू मेक सच ए मैच ऑफ प्लैनेट दैट रत्ना एंड रंगा बिकम द परफेक्ट मैच परफेक्ट एंड मोस्ट सूटेबल कपल। अगले दिन जो नरेटर थे वो रंगा को एक शास्त्री के पास लेके गए जो कि एक ज्योतिषी था और उसे ये पहले उन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली कि उसे ये ऐसी ही जोड़ी बनाने को बोला। उन्होंने बोला कि इस तरह से ग्रहों को मैच करे कि रंगा रत्ना की परफेक्ट जोड़ी बने, मतलब उन्होंने पहले से ही सारी फिक्स प्लानिंग कर ली थी। द नरेटर टुक रंगा टू शास्त्री टू नो व्हाट द स्टार्स स्पोक अबाउट हिम। अब जो नरेटर थे वो रंगा को शास्त्री जी के पास ले गए कि उसके जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं उसका भविष्य दिखाने के लिए। शास्त्री रिप्लाइड दैट रंगा वाज थिंकिंग अबाउट सम गर्ल हूज नेम वाज फाउंड इन द ओशियन। अब शास्त्री जी ने भी वही स्क्रिप्टेड जो बातें थी वही सब बताई कि रंगा इस समय एक लड़की के बारे में सोच रहा है जिसका नाम उस चीज़ पर आता है जो कि चीज़ समुद्र में पाई जाती है। अब ये बात सुनकर दोनों के दोनों सोचने लगे, काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे। इट वॉज नीदर कमला नॉर पंछी नॉर इवन मोस इट कुड बी पर्ल और रत्ना। उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया कि ये शायद कमल हो सकता है कोई पंछी के नाम पे या कुछ भी, लेकिन उन्होंने लास्ट में दिमाग लगाया कि ये पर्ल, पर्ल मतलब मोती, अब मोती तो नहीं हो सकता तो उन्होंने रत्ना लास्ट में उन्होंने यही नाम सजेस्ट किया। रंगा एडमिटेड हिज लव फॉर रत्ना और रंगा ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया। द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड 10 ईयर्स। रंगा हैज़ कम टू इन्वाइट द नरेटर एट हिज सन्स श्यामास थर्ड बर्थडे। अब स्टोरी आगे की तरफ बढ़ती है। 10 साल बाद रंगा उसी नरेटर को अपने बेटे श्यामा के तीसरे बर्थडे पर इन्वाइट करता है। ओबियसली रत्ना एंड रंगा हैड बीन मैरिड। ओबियसली इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि रत्ना और रंगा की अब शादी हो चुकी है। दे हैव नेम्ड देयर सन श्यामा एज ए ट्रिब्यूट फॉर द एफर्ट ही मेड टू गेट द टू ऑफ देम मैरिड। मतलब ओबियसली रत्ना और रंगा की अब शादी हो चुकी है और इस बात को 10 साल भी बीत चुके हैं और उनके एक बेटा जो कि 3 साल का है। अब उन्होंने जो अब श्यामा जो कि जिसने उनको मिलाने के लिए इतनी मेहनत करी उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक उनको सम्मान देने के लिए अपने बेटे का नाम भी श्यामा ही रख दिया है। नरेटर भी काफ़ी खुश होते हैं और अपनी हाथ से और एक छोटी सी रिंग उस बच्चे की उंगलियों में पहना देते हैं। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड बिकॉज ऑल द फैक्ट्स इन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ रंगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो टाइटल भी इस स्टोरी का बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरी किसके ऊपर है, सारी की सारी स्टोरी रंगा के चारों ओर ही घूमती है। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। कोशिश यही की गई है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश यही की गई है कि सारे के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।